नमस्कार आदाब सत हेलो एंड होला इन जमुन वंस अगेन आई एम डॉक्टर रावत इज़ हैव विद यू विद एन अनदर लेक्चर ऑफ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे uh, ये जो लेक्चर आज का होने वाला है दिस विल बी ऑन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बुक आर ई डजन दैट यूजअली स्टूडेंट्स डोंट गिव एम्फोसिस ऑन और जस्ट गो थ्रू इट कैजली बट it contains the basic as well as the important information for your knowledge as well as for your practice as i told you this channel is for learning organin not for writing your exams so i'll go through the introduction part today uh, you all can open your books and go on with me uh, i have opened my book with me also and uh, एज़ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन देर इज़ यू नो पी डी एफ फाइल आई हैव डाउनलोडेड सो दैट मैं आपको इसमें से देखकर पढ़ा सकूं लेकिन मैंने सारा ही चीज़ जो है बुक से uh, देखा है मैच किया है कि सब ठीक है जो बुक में दिया हुआ है वही है कि नहीं तो ऑल ओके okay, सब सेट करके मैंने आपको यहाँ पर ये पी डाउनलोड करके इससे बताना चाहती हूँ तो अगर हम इंट्रोडक्शन पार्ट के बारे में बात करें तो इंट्रोडक्शन जो है वो हमारा हम फिफ्थ एडिशन पढ़ रहे हैं तो फिफ्थ एडिशन का इंट्रोडक्शन आपको बताया था मैंने कि ये ट्वेल्व पार्ट्स में डिवाइडेड है हर पार्ट का अलग अलग इम्पोर्टेंस है हर पार्ट में अलग अलग तरीके की बात की गई है तो शुरू कर लेते हैं तो जब से ह्यूमन लाइफ आई है कहीं ना कहीं हर इंसान को डिज़ीज़ का सामना करना पड़ा है चाहे कॉज फिज़िकल हो या मेंटल और उसके चलते दवाइयों की भी हमेशा से ज़रूरत पड़ती आई है तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी मेडिकल एड की डिमांड भी बढ़ती रही इसके चलते लोग डिफरेंट डिजीज़ के ट्रीटमेंट ढूँढने लगे सबके अपने कॉन्सेप्ट्स आए थे उस टाइम और सबके अलग अलग आइडियाज भी थे पर डॉक्टर हैनिमिन का कहना था कि ये सब सिर्फ़ और सिर्फ थ्योरीज थी जो प्रैक्टिकली बिल्कुल काम नहीं आती थी एज यू ऑल नो ही वॉज ऑल्सो एलोपैथिक फिजिशियन तो उनको कभी भी वो कंसेप्ट नहीं समझ में आया जिससे वो लोग ट्रीटमेंट करते थे तो उनका कहना था कि ये सिर्फ थ्योरेटिकल बातें करते हैं प्रैक्टिकली करने के लिए दिखाने के लिए इनके पास कुछ है नहीं इन सब के अलावा एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन और फ्लरिश हो रहा था जो वो प्रैक्टिशनर मिक्सचर्स ऑफ अननोन सब्सटेंसेस देते थे ठीक है तो वो लोग क्या उस टाइम पे ज़्यादा uh, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहा था कि वो ये कहते थे कि हम तुरंत ठीक कर देंगे मतलब हमारा रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा लेकिन वो लोग देते क्या थे वो देते थे मिक्सचर्स ऑफ अननोन सब्सटेंसेस और उस सिस्टम का नाम था एलोपैथी हेयर द डायरेक्टली टारगेटेड द मटीरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट मटीरियल ऑब्जेक्ट मतलब उनका ये कहना था कि हम मटीरियलिस्टिक कॉज uh, को ढूंढेंगे और उससे हम जो हैं वो uh, अपना ट्रीटमेंट करेंगे तो ये सारा जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा देखने को ये सब मैं इसी के बारे में बता रही हूँ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मेन चीज़ है वो मैं आगे आपको बताऊँगी तो ये सब चीज़ें इसमें uh, बताई गई हैं Uh, पर डॉक्टर हैनमिन का मानना था कि जो लोग ये यू नो केमिस्ट्री फिजियोलॉजी अनाटमी इन सब का गाना गा के ये सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट लेकर आ रहे हैं ना, वो सही मायने में क्योर को नहीं समझते उन्होंने यही बोला था और जो क्योर का तरीका है इनका वो गलत है और उन्होंने कहा था कि इट इज़ टोटली इनपरफेक्ट क्योंकि जो तरीके अपनाए जाते हैं वो ह्यूमन लाइफ के लिए खतरनाक ही नहीं बल्कि उस टाइम पर जानलेवा भी साबित हो सकते थे एलोपैथ्स का उन उसके टाइम उनके टाइम जो था एलोपैथ्स कहते थे उनका सिस्टम रैशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है उनका ये भी कहना था कि वो ही हैं जो कॉज ऑफ़ डिजीज़ को रिमूव कर सकते हैं ठीक है थीके? तो एलोपैथ्स ने हमेशा से क्या बोला उन्होंने कहा था कि हम कॉज ऑफ डिज़ीज़ को पकड़ लेंगे और उसको हटा देंगे ठीक है जो कॉज वो मानते थे कि कोई मान लीजिए कोई बैक्टीरिया है कोई वायरस है कोई मटीरियलिस्टिक कॉज को वो लोग मानते थे और डॉक्टर हैनीमन का ये भी कहना था कि वो जो था वो एक इमेजनरी कॉज था उनका ऐसा कोई कॉज था नहीं उन्होंने इमेजिन करके एक कॉज बनाया कोई मटीरियलिस्टिक कॉज और उसको वो लोग रिमूव करने का दावा करते थे लेकिन उनके इस दावे को डॉक्टर हैनमन ने हमेशा खारिज किया उनका कहना था कि कॉज जो है वो इम्परसेप्टेबल है मतलब आप उसका पता नहीं लगा सकते इट इज uh, तो ही सेड दैट द कॉज इज़ इम्परसेप्टेबल एंड नॉन डिस्कवरेबल आप उसको ढूंढ ही नहीं सकते क्योंकि जिस मटेरियल कॉज की आप बात कर रहे हो वो एक्चुअली में कॉज ऑफ डिजीज है ही नहीं तो ये यहाँ पर हमेशा उनकी लड़ाई रही इस चीज़ को लेकर इसी में ये सारी बातें बताई हुई हैं जो मेन मेन चीज़ है वो मैंने यहाँ पर आपके लिए अंडरलाइन किया हुआ है आप देख सकते हैं जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दूँगी पूरा रीडिंग मैं नहीं करवाने वाली हूँ तो पार्टी पार्टीसन्स ऑफ द ओल्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन फ्लैट दैम सेल्फ दे कुड जस्ट क्लेम फॉर इट अलोन एंड द टाइटल ऑफ रैशनल मेडिसिन ठीक है वो यही बोलते थे कि हमारा जो सिस्टम है वो रैशनल रैशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन है क्योंकि उनका कहना था कि हम डिज़ीज़ का कॉज जो है वो हटा देंगे जिसको उन्होंने नाम दिया टोलेकॉजम ठीक है और ये जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर जो कर रहे हैं वो टोलेकॉजम पढ़ लें एक बारी क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार ही पूछ लेता है यूपीएससी भी पूछ लेता है एमडी के एग्जाम में भी पूछ लेता है कि टोलेकॉजम वर्ड जो है वो कहाँ पे यूज़ हुआ, हुआ हुआ है ठीक है तो इंट्रोडक्शन में ही यूज हुआ हुआ है अच्छा वो लोग और क्या कहते थे uh, तो डॉक्टर हैनीमिन का क्या कहना था कि दे ओनली फैंसी दैट दे डिस्कवर द कॉज ऑफ डिजीज ठीक है वो उनका कहना था कि ये तो हमें पागल बनाते रहते हैं कि हमने ढूंढ लिया जी कॉज ढूंढ लिया दे डिड इन डिस्कवर इट हाउ एवर इट इज नॉट परसेप्टेबल एंड नॉन डिस्कवरेबल ठीक है तो uh, ये डॉक्टर हैनीमिन का कहना था तो डॉक्टर हैनीमन क्या कहते थे कि डिजीजेस जो हैं दे आर डायनेमिक ओरिजिन उनका जो ओरिजिन है वो डायनेमिक ओरिजिन है और उसको अगर डायनेमिक ओरिजिन है ऑब्वियसली तो उसको जो क्योर करेगा वो भी कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो डायनेमिक प्लेन पर ही काम करे डिज़ीज़ डायनेमिक ओरिजिन का है डायनेमिक नेचर का है तो उसका आप कॉज कैसे पता लगा सकते हो अगर वो डायनेमिक नेचर की डिजीज़ है तो वो आपके कॉज कभी भी आपको सेंसेस को परसेप्टेबल नहीं हो सकते उनका ये कहना था उनका ये कहना था कि ये सिर्फ हमें जो है इन्होंने कुछ कुछ इमेजिन कर लिया है और ऑन द बेसिस ऑफ एनाटमी वो क्या करते थे हमारे जो चेंजेस हैं जो नॉर्मल अनैटमी uh, है उसको उनको कंपेयर करते थे डिजीज्ड पार्ट से हु had died ऑफ diseases, उससे कंपेयर करते थे पैथोलॉजिकल अनाटमी से एज ऑल्सो from वॉट दे कोड deduce from a comparison of the phenomena and functions in healthy life physiology, वो उसको कंपेयर करते थे आपकी पैथोलॉजी से to draw conclusions relative to the invisible process whereby the changes which take place in the inward being of man in diseases and affected a dim picture of imaginations with theoretical medicine regarded as its prima causa morbi So inhone kya, kya hamari normal anatomy ko uh, compare kiya with the pathological anatomy hamari normal physiology compare kya with the pathology जहाँ पर कोई डिजीज़ है और यहाँ पर जो जो इनको चेंजेस मिले उसको इन्होंने कहा कि इट इज़ द कॉजा सॉरी इट इज़ द प्राइमा कॉजा ऑफ मॉरबाई कि यही तो कॉज है डिजीज़ का ऐसा उन लोगों ने कहा मतलब इन्होंने सिर्फ थ्योरेटिकल मेडिसिन के रिगार्ड करते हुए उन्होंने ये सारी इमेजिनेशंस बनाई और उनको हमने नाम दे दिया प्राइमा कोजा मॉरबाई ये प्राइमा कॉजा ऑफ मोरबाई है ये वर्ड भी आप याद रखिएगा जो तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की and thus it was at one and the same time the proximate cause of the disease and the internal essence of the disease the disease itself ठीक तो है, है, है तो उन्होंने कहा कि यही डिजीज है इंटरनली यही चेंजेस आए हैं तो यही कॉज है यही डिजीज है सब कुछ यही है इसी को हटाना है ओके okay. तो द कॉज ऑफ अ थिंग or एन इवेंट कैन नेवर बी एट द सेम टाइम द थिंग ऑफ द इवेंट itself ठीक है तो लेकिन हैनीमन का क्या कहना था आ, कि एक बारी इवेंट हुआ और उसी टाइम उसका इफेक्ट भी दिख गया ऐसा नहीं होता इवेंट और आपका जो डिजीज है जो कॉज है और इवेंट है वो एक ही टाइम पे नहीं होता मतलब अभी अभी, अभी आपको हवा लगी और अभी अभी तुरंत ही तुरंत आपको कोड या कॉफ हो गया ठीक है वो कभी सेम टाइम पे नहीं होगा वो हमेशा फॉलो करेगा मतलब कॉज पहले रहेगा इवेंट बाद में आएगा कॉज पहले रहेगा इवेंट बाद में रहेगा ठीक है तो हाउ कुड दे देन विदाउट डिसीविंग देम सेल्व कंसिडर द इमपरसेप्टेबल इंटरनल एसेंस एज द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रीटेड तो उनको कैसे पता कि जो जो चीजें हमारे अंदर खराब हुई हैं इन्हीं इसी चीज को ट्रीट करना है एंड प्रिस्क्राइब फॉर इट मेडिसिन होस क्यूरेटिव पावर्स आर लाइकवाइज जनरली टू देम अब उनका यह भी कहना था कि तुम ठीक है तुम ये कह रहे हो कि हम इसको ठीक करना चाहते हैं पर इसको तुम ठीक करोगे कैसे इसको तो तुम ऐसे सब्सटेंसेस से ट्रीट कर रहे हो जिनको तुम तुमको खुद नहीं पता कि ये कैसे एक्ट करता है ठीक है आप अननोन मिक्सचर्स दिए जा रहे हो तुमको यही नहीं पता है प्रिस्क्रिप्शन कैसे करना है और कहाँ पे करना है ठीक है तो ये उनका जो है वो कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए अच्छा जो यहाँ पर आप थोड़ा सा ये प्राइमा कोजा मोरबाई के पास वन हाइलाइटेड देख रहे हैं दैट मीन्स इट इज़ फुट नोट जो आपका पैराग्राफ्स हैं वो येलो हाईलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं और जो फुट नोट्स हैं वो आपके uh, हमने पिंक हाईलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर अगर हम इसको खोल देते हैं तो ये है आपका फुट नोट तो फुट नोट में क्या इन्होंने प्राइमर कॉज ऑफ मोरबाई के पास फुट नोट था ना इन ऑर्डर टू बी एबल टू क्योर अ डिजीज रिगार्डेड द ओरिजिनेटिंग कॉज एज द कॉज ऑफ मोरबाई एंड एंडोवर्ड टू डिस्कवर दैट एंड दस वीन इन एबल सक्सेसफुली टू एम्प्लॉय द मोड ऑफ ट्रीटमेंट च हैड शोन इट सेल्फ यूजफुल इन मेलेडीज हैंग देम एक्साइटिंग कॉज इन दोज ऑल्सो अ सिमिलर ओरिजिन तो उनका क्या कहना था कि ऐसी तुमको रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए जिसका जो है वो एक्साइटिंग कॉज सेम रहे औरिजिन सेम हो तभी आप कॉजम और को जो है वो ट्रीट कर सक पकड़ कर उसको डिजीज़ को ट्रीट कर सकते हो ठीक है अगर आपको ट्रीट करना है कोई डिजीज़ जो आप मतलब ढूंढ लिया है आपने कॉजम बाय लेकिन आप उसको सक्सेसफुली तभी ट्रीट कर पाओगे जब आपकी मेलेडी जो है बीमारी है उसका सेम एक्साइटिंग कॉज हो और सेम ओरिजिन हो आप ये नहीं कि कहीं से भी मेडिसिन का कुछ एक्शन उठा कर ले आए हो और उसको उसमें फिट करने की कोशिश कर रहे हो ऐसा नहीं होना चाहिए आप अपनी आ, अगर आपने कोई कॉज ढूंढ के भी निकाला है ठीक है लेकिन मेडिसिन तो आप सही यूज़ करो वही मेडिसिन यूज़ करो जो जिसका एक्साइटिंग कॉज सेम हो जिसका ओरिजिन सेम हो ठीक है कुछ तो अकल से यूज़ करो उसको तो रिगार्डिंग बींग हार्ड फॉर द पिक्यूलैरिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल केस तो इनका क्या इन्होंने क्या करा था ये ये मानते थे कि आ, सब का ना एक जैसा ही मतलब अगर चार लोगों फीवर हो रहा है तो कॉज एक जैसा ही है तो एक ही तरीके की दवाई जाएगी तो ये कोई पिक्यूलैरिटी नहीं स्टडी करते थे कोई इंडिविजुअलाइजेशन नहीं होना होना था केस में केस का तो ये चीज़ जो थी हैलिमन इसका इसका जो है वो हमेशा से उन्होंने विरोध किया है But during these many centuries, they were unable to cure the millions of chronic diseases because they knew. नॉट देयर ओरिजिन इन द सोरिक मायाज़म तो यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा मायाज़म की बात करी है इन्होंने कहा है कि जब आपके पास मान लीजिए आपके पास शेंकर आ रहा है ठीक है आपके पास syphilis आ रहा है आपने आप उसको उसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए देख रहे हो बस अगर आपको पास आया तो आपने शेंकर को ही देखा है और शैंकर का ही ट्रीटमेंट करना है ट्रीटमेंट क्या करना है मतलब जो भी उनका सप्रेशन है पैलिएशन जो उस टाइम पर वो लोग किया करते थे वो करना है हैनीमिन का कहना है कि ये डिजीज़ जब शैंकर आया ये तो आपका क्या के कहते हैं सिफिलिस है, है तो आपने सोरा में तो देखा ही नहीं उसको डिजीज को कि वो डिजीज सोरा में कैसी थी आप सीधा उसको साइकोसिस में या सिफिलिस में ट्रीट करने की सोच रहे हो तो ऐसा तो नहीं हो पाएगा उन्होंने बोला था कि इतने सारे क्रॉनिक डिजीजेज हैं पर आप किसी को भी ठीक नहीं कर पा रहे हो इतने सालों से लगे हुए हो क्योंकि आपने बेसिक उसका जो सोरिक मायाजम स्टडी ही नहीं करा आज आपके पास जो डिजीज है वो सोरा में कैसी थी उसको आपने देखा ही नहीं विच वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड आफ्टरवर्ड्स प्रोवाइडेड विद अ सूटेबल प्लान ऑफ ट्रीटमेंट बाय होम्योपैथी जो उन्होंने बाद में होम्योपैथी से करने की कोशिश करी जैसे क्रॉनिक डिजीजेस आई तो कोई भी क्रॉनिक डिजीज अब अगर आपके पास है तो आप उसके पहले सोरा में जाओगे कि ये स्टार्ट कैसे 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 हुआ आ, अगर मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में बताऊं मान लीजिए आपके पास कोई ऐसे डिजीज़ है जो अभी सिफिलिटिक स्टेट में है तो वो कभी ना कभी सोरा में जरूर रही होगी तो हम उसको कहेंगे सोरो सिफिलिटिक केस ठीक है सोरा से डायरेक्ट सिफिलिस में आई होगी या फिर सोरा से आते हुए साइकोसिस से घूमते हुए फिर सिफिलिस में आई होगी तो आप उसको डायरेक्ट सिफिलिस में ट्रीट नहीं कर सकते आपको देखना पड़ेगा कि वो वो सिफिलिस में आई कैसे है कोई भी केस आपको पता है ना आ, सोरा इज द माया मदर ऑफ ऑल द मायाजम तो जब भी कोई डिजीज स्टार्ट होती है कोई पर्सन अगर डिजीज है कोई ह्यूमन बींग डिजीज है तो उसकी डिजीज़ कहीं ना कहीं पहले सोरा से ही शुरू होगी सोरा से चाहे वो डायरेक्ट सिफिलिस में आए सोरा से साइकोसिस से सिफिलिस में आए लेकिन वो डायरेक्ट कभी भी साइकोसिस सिफिलिस में नहीं आ सकती तो आपको उसका सोरा स्टडी करना जरूरी है तभी आप क्रॉनिक माया क्रॉनिक डिजीजेस को ठीक कर पाओगे जिसके लिए उन्होंने फिर और फर्दर स्टडीज करी थी उनको बारह साल लग गए थे जब उन्होंने क्रॉनिक डिजीज जो हैं वो लिखी थी ठीक है तो उनका यह कहना था कि थोड़ा ऊपर वाले पैराग्राफ में चले जाते हैं रिगार्ड बींग हैड फॉर द पिक्यूलैरिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल केस वेयर बाय ऑल द ईच ऑफ दिस क्रॉनिक डिजीज माइट हैव बीन है्योर्ड ये ठीक हो जानी चाहिए थी अगर एक ही कॉज है सबका तो ये तो ठीक हो जानी चाहिए थी देन माइट दे विद जस्टिस हैव बोस्टेड दैट इन द ट्रीटमेंट ऑफ क्रॉनिक डिजीजेज दे हैड इन व्यू द ओनली अवेलेबल एंड यूजफुल कॉजा मोरबोरम क्रॉनिकोरम नॉन वेरोरम एंड विद दिस एज अ बेसिस दे माइट है बेस्ट रिजल्ट तो भैया तो तुमको तो सब कुछ ठीक कर देना चाहिए था अगर तुम ये कह रहे हो कि तुमने कॉज ढूंढ निकाला है ठीक है तुमने हर चीज का कॉज ढूंढ निकाला है और कॉज को हटाने से डिजीज हट जाएगी तो आपने अभी तक क्यों नहीं ठीक करा ये तो सारी डिजीजेस ठीक हो जानी चाहिए थी जो आप इतना बोस्ट कर रहे हो जो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हो कि हम ट्रीटमेंट करेंगे क्रॉनिक डिजीज का हम ठीक करेंगे तो क्यों नहीं ठीक करा आपने आप अभी आपने अभी तक ठीक है यहां पे इन्होंने देखिए जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है एज फॉर एग्जाम्पल द सेम मर्क्यूरी इज एफिकस इन एंड अल्सर ऑफ ग्लैंड आफ्टर इम्प्योर क्वाइटस एज इन ऑल प्रीवियस वेनरल शैंकर्स ठीक है इनका कहना है कि अगर ऐसा है तो आप एक ही मर्क्यूरी सारे के सारे ग्लैंस के अल्सर को ठीक करा जाना चाहिए जिसका कॉज इम्प्योर क्वाइटस है ठीक है मान लीजिए पांच लोगों को जो है वो हमारा अल्सर हो गया है ग्लैंस पे और पांचों का जो कॉज है वो था इम्प्योर क्वाइटस ठीक है तो फिर तो मर्क्यूरी आपने ढूंढ के निकाला ना आपने कॉज तो सब में ढूंढ लिया तो आपकी मर्क्यूरी तो उन सबको ठीक कर देना चाहिए था ना फिर उसने क्यों नहीं करा इफ आई से दे हैड डिस्कवर्ड द एक्साइटिंग कॉज ऑफ

क्रॉनिक डिजीज का इन्होंने बोला है कि अगर वेनरल डिजीज़ है तो ये ये कॉज ये, uh, हो सकते हैं नॉन वेनरल डिजीज़ है तो इन्होंने बोला है कि कॉज में भी सम इन्फेक्शन ठीक है अब इन्होंने वो इन्फेक्शन तो बोल दिया लेकिन इन्होंने ये नहीं स्टडी किया कि देर इज़ सम मायाजम इन द बैकग्राउंड दैट इज़ रनिंग देर विच इज़ सोरा ठीक है तो इन डॉक्टर uh, हनीम ने ये बात यहाँ पर बोली थी